हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टार एयर के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में। स्टार एयर में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू कौन से दिन में कंडक्ट होने वाला है, कहाँ कंडक्ट होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है, तब तो आप एलिजिबल है ही। अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया जो है फॉर अ फ्रेशर, इट इज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एयरलाइंस। फ्रेशर के लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 to 25 है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो दे प्रेफर एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस और दे प्रेफर समबडी विद 2 recurrence एटलीस्ट। ठीक है, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको ऑलरेडी पता होगा 2 recurrence का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं हाइट क्राइटेरिया की। ये भी थोड़ा अलग है इन कंपैरिजन टू दी अदर एयरलाइंस। ये इसलिए बिकॉज जो एयरक्राफ्ट का साइज है, जो कैबिन साइज है इस एयरक्राफ्ट का, वो थोड़ा छोटा है। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्पेसिफिक हाइट क्राइटेरिया, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया एंड मैक्सिमम हाइट क्राइटेरिया एज वेल। ठीक है, फॉर फीमेल्स इट इज मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 156 cm to 174 cm। यू हैव टू बी बिटवीन इन दिस रेंज। एंड फॉर अ मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट यू हैव टू बी एटलीस्ट 165 cm टॉल एंड द मैक्सिमम हाइट क्राइटेरिया फॉर अ मेल इज 178 cm टॉल। BMI रेंज की अगर हम बात करें, फॉर अ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट इट इज बिटवीन 18 to 22। फॉर अ मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट इट इज बिटवीन 21 to 26। यही सारी चीजें मेंशन की गई है इनके जॉब एडवर्टाइजमेंट में, वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी फॉर योर रेफरेंस इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट। इसके अलावा आप उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाकर भी चेक कर सकते हैं उनके और क्या क्या बाकी रिक्वायरमेंट्स है। इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है 4 December 2023 को उनके हेड ऑफिस में। लोकेशन, टाइम, वेन्यू सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब क्योंकि वेन्यू, लोकेशन सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है तो इट इज अंडरस्टूड कि ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए। किसी भी एयरलाइन इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो हमेशा 5 या 6 चीजें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये आप हमेशा लेकर ही जाएं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये? पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, 10+2 के अपने मार्कशीट्स, ये सब के ओरिजिनल, इन सब के फोटोकॉपीज भी आप अपने साथ लेके जाए। अपने फॉर्मल वेस्टर्न अटायर के फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाए, फुल लेंथ फोटोग्राफ भी लेकर जाए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा आप जिस भी एयरलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा ही लेकर जाए। इट इज अंडरस्टूड कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज एंड जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड।